वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों, आज हम यूपी टेट से संबंधित बाल मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इसको, बुद्ध के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं विने टर्मन स्टर्न। आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग किस भाषा के जानकार से संबंधित है? ये अंग्रेजी भाषा के। एडवर्ड एल थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है अमूर्त। आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किस युद्ध के समय हुआ? इसमें किसी युद्ध के समय नहीं हुआ था, न फ्रांसीसी क्रांति, न अमेरिकी क्रांति, न प्रथम युद्ध किसी में नहीं हुआ था। किस बुद्ध परीक्षण में एक साथ समय, धन और श्रम की बचत होती है? सामूहिक बुद्ध परीक्षण में होती है। बुद्ध के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये किसका है? ये जीन पियाजे का है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। किसका मत है? वोरिंग का मत है। फ्रीमैन की परिभाषा सम्मिलित नहीं है। बुद्धि जन्मजात प्रत्यय है। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के पिता थे थर्नडाइक। बुद्ध के बहुविध सिद्धांत के पिता हैं होवर्ग, गार्नर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है एक और दो दोनों, सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। बुद्ध का तरल मोजंक्स मॉडल किसने दिया था? कैटल ने दिया था। बुद्धि की बुद्धलब्ध होती है 71 से कम होती है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? लिपजिंड नगर में हुई थी सर्वप्रथम। हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये 1922 में हुआ था। आगे देखते हैं, क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? ये भाटिया की देन है। अगला, शाब्दिक समूह परीक्षण किसकी देन है? डॉक्टर जे मोर की देन है। बुद्ध का त्रियामी सिद्धांत किसका है? जेपी गिलफोर्ड का है। बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के पिता थे थसर्टन। पदानुक्रमिक बुद्ध सिद्धांत के पिता थे बर्नर। और बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है, ये किसका मत है? लाइवेटर का ये मत है। आईक्यू को परिभाषित किया था विलियम स्टर्न ने किया था इसको। किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? ये व्यक्तिगत परीक्षण में समय अधिक लगता है। आगे देखते हैं, किस परीक्षण में धन की बचत होती है? सामूहिक में धन की बचत होती है। आगे देखते हैं, जब मैं अपने दरवाजे के सामने कुत्ते को बैठा पाता हूं तो मैं हमेशा डरा धमका कर उसे भगा देता हूं। अब वह मुझे जब भी दूर से आते देख लेता है तो हमें दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही वह कुत्ता भाग जाता है। यह कुत्ते के अधिगम की किस प्रकार की क्रिया है? ये अनुकरण द्वारा सीखने की क्रिया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक है कोहलर है। समीपता अनुबंध सिद्धांत है एडविन रे गुथरी का। थर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य करता है उद्दीपक। आगे देखते हैं, कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के थे। टाई बांधना थर्नडाइक के किस सिद्धांत संप्रभावित है? अभ्यास का नियम। चिंपांजी सुल्तान पर किसने प्रयोग किया था? कोहलर ने किया था। आर्यम गैने ने अधिगम सोपानिक में मुख्य विशेषता क्या है? ये सरल से जटिल की ओर है। कौन सा मनोवैज्ञानिक अपने अधिगम के सिद्धांत में स्वयं सिद्धों एवं प्रमेयों का प्रयोग किया है? कोहलर ने किया है। सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? भूख का होना आवश्यक है। आप प्राकृतिक उद्दीपक है घंटों की आवाज। प्राकृतिक उद्दीपक है भोजन। समय की पाबंदी का ज्ञान होता है अनुकूलित अनुक्रिया। साइकिल चलाना अधिगम है अभ्यास के नियम का। आगे देखते हैं, अधिगम के लिए केंद्रित तत्व हैं पुनर्वलन।
चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? टालमैन ने दिया था। भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ये टालमैन से संबंधित है। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतनी अधिक होगी, मत है किसका? इसमें से किसी का मत नहीं है। पुथरी, टालमैन, रास, किसी का मत नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? स्किनर ने किया था कबूतर पर प्रयोग। आगे देखते हैं, TAT TAT परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? इसमें 31 कार्डों का प्रयोग होता है। रोसामस परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? 10 कार्डों का होता है। हरमन रोसा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज किसने की थी? विश्वनाथ मुखर्जी ने की थी। अगले देखते हैं, शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक थे? सेल्डन थे। अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी 1937 में। इदम अहम पराहम का संबंध है, ये फ्रायड से संबंध है, ये मनोवैज्ञानिक है। मांग के सिद्धांत में कितने तत्व होते हैं? ये 5 तत्व होते हैं। निम्न स्तरीय मांग है ए और बी, यानी सुरक्षा की मांग और दैहिक मांग, ये दोनों जो निम्न स्तरीय मांग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों का रूप है, ये किसका मत है? ये गिलफोर्ड का मत है। वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज हुई थी 1940 में। वाक्य पूर्ति परीक्षण का जनक था रोहडे थे। समाज मित विधि के जनक थे मोरनी। आगे देखते हैं, प्रक्षेपी विधि के कितने अंग है? ये 3 अंग है। टेट परीक्षण कितने घंटों का है? ये 2 घंटों का है। गैरेट ने साक्षात्कार विधि को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा है। व्यक्तिगत शीलयुक्त गुण सिद्धांत पर किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया था? अल्पोर्ट ने दिया था। अचेतन तत्व पर किसने अत्यधिक जोर दिया था? फ्रायड ने जोर दिया था। अहम का संबंध है यथार्थ जगत से। इदम का संबंध है पार्श्विक जगत से। पराहम का संबंध है पार्श्विक जगत और संस्कार नैतिकता, यानी संस्कार और नैतिकता से, बी और सी से संबंधित है। अल्पोर्ट ने व्यक्तिगत शील युक्त गुण सिद्धांत को कितने वर्गों में विभाजित किया? 3 वर्गों में। सत्य और अहिंसा कौन सा शील गुण है? ये प्रमुख शील गुण है। टेट की परीक्षण की खोज कहाँ होती है? ये अमेरिका में। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और वीडियो का समझ में तब आता है जब उसको पूरा देखा जाए, इसलिए मित्रों पूरे वीडियो को देखिए। धन्यवाद।